भगवान की प्राप्ति का साधन बढ़ाते बनी अभी से कर लो। कब करेंगे? अभी से। तो 2 साल के अंदर आप सभी लोग अपना मन कंट्रोल कर लेना, अपने मन को काबू में कर लेना। कर लोगे ना? प्रॉमिस कर लेंगे? बिल्कुल। समय कम नहीं है, वो तो जल्दी जाना चाहिए, फिर भी हमने आपको बहुत समय दिया। ऐसे ही भगवान ने भी आपको कुछ समय दिया, इतने में कर लो तो कर लो, नहीं पर 84 का चक्कर घूमना, हमसे ना बोलना कि हमें बचाया नहीं। भगवान बोलेंगे, भेजा तो था निरुद्धाचार को समझाने के लिए, आप समझे नहीं तो हम क्या करें। हम आए हैं, भगवान ने भेजा है कि जाओ समझाओ सबको, सही रास्ता दिखाओ। अब आप समझे ना समझे मर्जी आपकी, बाद में ये ना कहना हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह तो रहे हैं आप। ठीक है, सारे बहाने, कोई बहाना नहीं चलेगा। अजामिल जैसे पापी की मुक्ति हुई, अजामिल की सदगति के बाद वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ है, भगवान के परम भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। कौन? प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवाशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हिरण्यकश्यपु नाम के एक सज्जन से बड़ा आतंक फैला रखा था हिरण्यकश्यप। उन्होंने वरदान मांग रखा था भगवान से, ना दिन के मरु ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नाम करूं, ना आदमी से, ना देवताओं से, ना राक्षसों से, ना पुरुषों से, ना स्त्रियों से, ना जीव जंतुओं से, मैं मरूं ही ना इन चीजों से। ब्रह्मा जी ने कहा था जो बोल रहा है वैसे नहीं मरेगा। अब बताओ, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, क्या वरदान मांग लिया? ना दिन को मरूं ना, अब बताओ ना दिन को मरेगा ना रात को मरेगा, तो मरेगा कभी? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ये कह दिया 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, अब लो अब तो अब कैसे मरेगा? 12 महीनों में किसी महीने में ना, कितना भी होशियार हो जाए इंसान, कितनी भी कोशिश कर ले मृत्यु से बचने की, परम इतना वरदान मांगने पर भी उसे मरना पड़ा कि नहीं? जब होशियारी हिरण्यकश्यपु जैसों की ना चली तो इतने दिन को मरू ना रात को मरू, 12 महीने में ना मरू, उनकी होशियारियां जब ना चली तो हमारी और आपकी चलेगी भैया? इसलिए मरने की तैयारी में लग जाओ। कुछ बोरिया बिस्तर बांधने लग जाओ, अपना सूटकेस वगैरह कुछ तैयार वहां के लिए, तैयारी से जाओगे तो अच्छी जगह जाओगे, तैयारी नहीं तो फिर भूखो तरक। मैया और मेरी पीछे वाली मैया सुन रही हो ना माँ, सुन रही हो ना माँ, सुना रहा हूँ मैं, सुन रही हो ना।
भैया सुन रही हो? बोलो हाँ या ना। अच्छा तो फिर हम सुना रहे हैं। सुनो, तैयारी कर लो अपने अपने जाने की। हम तो रोज सवेरे उठ के अपने जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सवेरे उठते ही भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, फिर मंत्रों को सेवा करते हैं, मंत्रों को खिलाते पिलाते साधुओं की सेवा करते हैं, अन्य क्षेत्र बांटते हैं, माताओं के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं, ये कथा सुना रहे हैं आपको, ये भी तो तैयारी ही है। भगवान का नाम लेके अच्छे काम करके जाएंगे तो भगवान अच्छी जगह भेजेंगे, बुरे काम करके जाएंगे बुरी जगह भेजेंगे, इसलिए ये हमारी तैयारी ही है। अब इसके बीच में कभी भी ठाकुर जी बुलाएं तो चलने को तैयार। ऐसे आप भी अच्छे काम करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, बुरे काम करते करते मरोगे तो आप भी तैयारी में लगो। सवेरे जाग के भगवान की पूजा करो, ध्यान करो, स्मरण करो, कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे करुणा निदान करुणा। आप लोग रोज भगवान से बात किया करो, कहा करो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे रघुनंदन, हे राघव, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ, आपके हूँ नाथ, स्वीकार करो। ऐसी रोज बातें करनी चाहिए, यही तैयारियां है मरने की। भगवान से बात करो, अब बेटा बहू से थोड़ा है ना ध्यान कम रखो, वहाँ ज्यादा ध्यान भगवान में रखो, ये तो तैयारियां है मरने की। अच्छे काम किया करो, कटु शब्द ना बोला करो, बुरा ना बोला करो, अच्छे बोला करो, बात बात का गुस्सा ना किया करो, निंदा चुगली कपट ना किया, ये तो तैयारियां है मरने की। सोचो कि आप पड़ोसन से निंदा कर रही चुगली कर रही है तभी आपके प्राण निकल गए तो कौन से नरक जाओगी? यमराज कहेंगे चुगली करते आई है इसको रौरव नरक में भेजो। आपके लिए कौन सा नरक होगा? रौरव। वहां क्या है रौरव नरक में? बड़े बड़े मलमूत्र की नदियां, गंदगी, जैसी मावाद होती ना, घोड़ा हो जाने मावाद भर जाते मावाद, उस मावाद की नदियां है, उसमें डुबाया जाता है चुगली निंदा करने वाली लोगों को। और कर लो माँबाद में ही रहो, वही तैरो, स्विमिंग सीख के जाना, वही सीखते रहना, वही सीखो, वही वही खाओ, वही पियो, वही रहो। ये नरक है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, 28 प्रकार के नरक होते हैं। जैसे कपड़ा धोबी घाट में जाता है ना तो धोबी जेब पटक पटक के मारता है, ऐसे ही यमदूत तुम्हारी दौलत टांगे पकड़ पकड़ के जब पटकेगा ना नानी याद आएगी, अभी खूब चुगली कर रही हो पड़ोसन की, करना बाद में जब नरक मिलेगा। इसलिए कहता तैयारी कर लो अपने मरने की, अच्छे काम कर लो, अच्छे कर्म कर लो, जाना पड़ेगा, मानो ना मानो जाना। अब कोई बोले महाराज जी मैं नहीं मानता कि स्वर्ग नरक होता, नहीं मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से होगा क्या? क्यों जी, मानने ना मानने से क्या होगा? यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है,